हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को आप कैसे आप परमानेंट के लिए या हमेशा के लिए कैसे आप डिलीट कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या करना होगा जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है हमेशा के लिए आपको डिलीट करने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप दे सकते हैं आपके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आपको डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हैं, आपको ओपन कर लेना होगा। अब ओपन करने के बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आएगा। तो आपको करना क्या होगा, आप दे सकते हैं आपको यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आप में देखने को आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आएगा। तो आपको करना क्या होगा, आप दे सकते हैं आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे, जैसे आप देख भी सकते हो, आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा, जैसे आप देख भी सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद आप में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे आप देख भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन देखने को आ रहा है। तो आपको इस हेल्प वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा, और यहाँ पर दे सकते हैं आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर का ऑप्शन देखने को आएगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप में कुछ इस तरह का इंटरफेस आप में खुल के आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे डायरेक्टली आपको क्लिक कर देना होगा। अब आपको क्लिक करने के बाद आप में देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको मैनेज यूअर अकाउंट का ऑप्शन देखने को आ रहा है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, जैसे आप देख भी सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिलीट यूअर अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ गया। तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको डिलीट यूअर अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं आप में कुछ इस तरह का देखने को ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर दे सकते हैं टेम्परेली डीएक्टिवेट यूअर इंस्टाग्राम अकाउंट। इसका मतलब है कि यदि आप चाहते हो कि जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है हम कुछ दिनों के लिए बंद रखना चाहते हैं, मतलब डीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो आपको इस वाले ऑप्शन में करना होगा। अगर आप डिलीट यूअर इंस्टाग्राम अकाउंट जो ऑप्शन है, यदि आप चाहते हो कि जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है हमेशा के लिए डिलीट हो, तो आपको डायरेक्टली देख सकते हैं आपको डिलीट यूअर इंस्टाग्राम अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप देख भी सकते हो, तो आपको इस वाले ऑप्शन में जब आप सेलेक्ट करोगे, जैसे आप देख सकते हैं आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आया। अब तो आपको करना क्या होगा, देख सकते हैं आपको नीचे स्वाइप करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जैसे आप देख भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं instagram.com फॉर्म ए मोबाइल ब्राउजर यूअर कंप्यूटर, और यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम ऐप फॉर आईफोन। अगर आप यूज करते हो एंड्रॉयड मोबाइल तो आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है। अधिकतर लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, जो आईफोन वो कम ही लोग यूज करते हैं। तो आपको डायरेक्टली देख सकते हैं हम यहाँ पर जो मोबाइल के साथ जाना चाहते हैं, जो भी मोबाइल यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं हम इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा, जैसे आप देख भी सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिलीट यूअर अकाउंट का ऑप्शन आप में देखने को आएगा। तो आपको डिलीट यूअर अकाउंट वाले ऑप्शन पर डायरेक्टली करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं आपको इस वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे, इसके बाद आप में देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे आप देख भी सकते हो इस समय। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख के आ रहा है व्हाई डू यू वांट टू डिलीट, और आपका यूजर नेम लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आप अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट आप किस कारण डिलीट करना चाहते हो, या क्या रीजन है आप अपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट जो है परमानेंट के लिए डिलीट करना चाहते हो। तो आपको करना क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर एरो का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप कोई भी रीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी रीजन आपको अच्छा लगे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप में देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा, जैसे आप देख भी सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर री एंटर योर पासवर्ड का
ऑप्शन देखने को आएगा। तो आपको करना क्या होगा, दे सकते हैं आपको यहाँ पर अपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का जो भी आपका पासवर्ड है, आपको इस पासवर्ड को डाल लेना। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पर दे सकते हैं फॉरगेट वाले ऑप्शन में करके, और यहाँ पे आपके मोबाइल का नंबर पूछेगा और नंबर को डाल के और आपके नंबर पे ओटीपी आएगी और न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिएगा, इसके बाद आपको डाल देना है। तो अगर आपको पासवर्ड पहले से मालूम है तो आपको दे सकते हैं इस वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है। तो चलिए अपने हम पासवर्ड को यहाँ पर डाल देते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं क्या करना है आपको। तो जैसे आप दे सकते हैं अपने अपने इंस्टाग्राम का यहाँ पर आप दे सकते हैं, हमने यहाँ पर पासवर्ड को डाल दिया, जैसे आप भी दे सकते हो यहाँ पर पासवर्ड को हमने डाल दिया। इसके बाद आप दे सकते हैं आपको यहाँ पर डिलीट और आपका यूजर नेम आपको देखने को आएगा और यहाँ पर डेट आपको देखने को आएगा, जैसे आप दे सकते हैं। तो आप इसे पढ़ भी सकते हो, तो जैसे आप दे सकते हैं हम यहाँ पर डिलीट और यूजर नेम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर दे सकते हैं। डिलीट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप पूरा स्वेयर है ना अपना जो अकाउंट आप डिलीट करना चाहते हो, तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा। तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर कर देना है और यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आए तो आपको डायरेक्टली ओके कर देना, जैसे आप दे सकते हैं। इसके बाद ओके करने के बाद आपको वेट करना, जैसे आप दे सकते हैं यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। और जैसे आप देख भी सकते हो हमारा जो इंस्टाग्राम में अकाउंट था वो परमानेंट के लिए हमेशा के लिए वो डिलीट हो गया है, जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट था वो डिलीट हो गया, जैसे आप दे सकते हैं। अब यहाँ से आप नया अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो या जो भी आपको करना है आपको यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप दे सकते हैं जो भी आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने जो है इंस्टाग्राम पे जो है अकाउंट को आप ऐसे ही आप डिलीट कर सकते हो, जैसे आपने अभी देखा हमने आपको करके दिखाया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।